नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनपीके 052 चौथी के बारे में। तो किसान भाइयों मैं आज इस वीडियो में इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप इसको अपने खेत में कब और किस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है कौन कौन से हैं और साथ ही आप इनको कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किस किस दवाई के साथ आप इस्तेमाल करके अपने खेत में डाल सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस अवश्य कर लें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों आज हम बात 052 के बारे में करें। तो किसान भाइयों ये एक तरह का वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है, यानी कि जल घुलन उर्वरक इसको कहते हैं। तो क्योंकि किसान भाइयों जो फर्टिलाइजर है ये पानी के अंदर डालते ये खुद पे खुद घुलना शुरू हो जाता है और इसका आपको बोलने की आवश्यकता ज्यादा इसको नहीं पड़ती, तो इसको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो किसान भाइयों अब हम इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो किसान भाइयों ये न्यूट्रिशन होते हैं ये पौधे के लिए सबसे ज्यादा और सबसे जो प्राइमरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं, क्योंकि किसान भाई ये न्यूट्रिशन होते हैं ये पौधे की जड़ से लेकर के पौधे की वृद्धि तक में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। तो किसान भाई इसके अंदर आपको जो मिलने वाले हैं वो है नाइट्रोजन, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके अंदर जो फास्फोरस है वो आपको 52% मिलती है और इसके अंदर जो पोटाश है वो आपको 34% के हिसाब से मिलती है। तो किसान भाइयों इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन इसके अंदर 0%, इसके अंदर फास्फोरस 52% और पोटाशियम जो है इसके अंदर आपको 34% के हिसाब से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों अब हम इस बात करें कि जो फास्फोरस है वो हमारे खेत में क्या काम करती है। तो जो फास्फोरस है सबसे पहले जो पौधे की जड़ें हैं उनकी वृद्धि में और उनको बढ़ाने में और उनको विकसित करने में सबसे ज्यादा काम जो करती है वो फास्फोरस ही करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि फास्फोरस है पौधे की जो जड़ें हैं उनको बड़ा करती है। और तो किसान भाइयों साथ ही साथ जो उसके अंदर पोटाश है, पोटाश भी हमारे जो पौधा है उसको मजबूत बनाती है और साथ ही साथ जो पौधे के अंदर जो नमी है, जो नमी पर्याप्त नमी पौधे के अंदर होनी चाहिए, उनकी कोशिकाओं में जो नमी को सो के रखने की जो क्षमता होती है वो किसान साथियों पोटाश ही पौधे को प्रदान करती है और पौधे को जो चमकीला और शाइनी जो बनाने का काम करती है और जो पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बैलेंस बनाने का जो काम करती है किसान का साथियों वो पौधे के अंदर पोटाश ही करती है। तो किसान साथियों पोटाश का भी बहुत अच्छा रोल माना जाता है। तो अपने खेत में पोटाश भी आप अवश्य इस्तेमाल करें क्योंकि अधिकतर किसान भाई अपने खेत में फास्फोरस तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन पोटाश को अपने खेत में नहीं डालते, जिसकी वजह से पौधे में पोटाश की कमी हो जाती है और वो बाद में उसका असर अपने पौधे को देखने को मिलता है। तो किसान भाई आप इसका भी अवश्य इस्तेमाल करें। तो किसान भाई जैसे आपने अपने खेत में DAP नहीं डाला, ना के बराबर डालो या उस वक्त आपने जब बिजाई किया उस वक्त आपको DAP ना मिले, तो किसान भाई आप बेचिंत होकर के इसकी स्प्रे जब पौधा उग जाए उसके बाद अपने खेत में कराएं। तो जो खेत के अंदर जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है किसान भाइयों ये पौधे को डायरेक्ट स्प्रे के माध्यम से आपको पौधे को उपलब्ध करवा देता है, जिसकी मदद से हमारा जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ और दोबारा से उसके अंदर जो भी पौधे के अंदर जो फास्फोरस की कमी के कारण जो पौधे के अंदर जो भी नुकसान हुआ है वो फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए जो NPK जो 052 होते हैं बहुत अच्छा इसको माना जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल समय समय पर आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में करते रहें तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो अब हम बात करें कि इसको किसके साथ किन दवाइयों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप इसको ग्रोथ प्रमोटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशक जो दवाई है उनके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको हर्बिसाइड के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों आप इसको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड और जो ग्रोथ प्रोमोटर है उनके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है और इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अब हम बात करें कि आप इसको कौन कौन सी फसल में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों आप गन्ने की फसल में डाल सकते हैं, वीट की फसल में या गेहूं की फसल में डाल सकते हैं, पैडी में डाल सकते हैं और साथ ही जो सब्जी वर्गीय जो फसलें होती हैं उनके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जो आपको रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, इसका जो फास्फोरस और पोटाशियम की जो हमारे खेत के अंदर डेफिशिएंसी रहती है ये इसको पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा इसको माना जाता है। तो किसान भाइयों इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं
आपको जो परिणाम है बहुत अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए किसान भाई, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने एनपीके जीरो पावर चुनती के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया। तो चलिए किसान भाई, जो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।